लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस महीने की 15 तारीख को अमन और रीवा के शादी को 5 साल हो जाएंगे। इट्स देयर मैरिज एनिवर्सरी, सो वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग विद यू ऑल। ये अंकल मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं? ये अंकल आप दोनों के पापा हैं। उस फ्रॉड को मिलने जा रही हूँ। नो, अमन से तो मैं बात भी नहीं करती। तुम जानती हो मैं किस फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। ब्रो लेट्स बॉम्ब द डेट। अरे मेरे पास कोई गन या बारूद नहीं है रिकी। वो 5-7 बच्चे पैदा करके रखे हैं ना, तो वो बॉम्ब से कम है। देखो रीवा, ये बच्चों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, सो लेट्स टॉक ऑन फोन। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करके आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो जाएंगे। योर लाइफ विल बी एज पैथेटिक। ओके रीवा दी वाज फ्यूमिंग और रिकी भाई ने अंगद को जो डोज दिया उसके बाद तो वो रीवा दी के आसपास भी नहीं भटकेगा। और रीवा दी ने कुछ नहीं कहा? ऑफ कोर्स शी कर्स्ड अस ऑल। इनफैक्ट दी तो अभी तक मुझसे बात भी नहीं कर रही। उन्होंने रोहित भाई को हमारे घर पे आने से मना कर दिया। यार बैक टू बैक बहुत हंगामा हो गया किंग्स कैफे में। गेस व्हाट, किंग्स कैफे हैज ब्लैकलिस्टेड अस। उनके मैनेजर ने तो हाथ जोड़ दिए। संगत की ना पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। शिवम पता सी वो कुड़ी वापस आ गई। मुझे मैं तेनु एक गल दस रहा, अगर वो लड़की मेरे सामने आई ना तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। कह देना ऋत्विक से उस लड़की का साया भी घर पे नहीं पड़ना चाहिए, समझा तू? बाप चाह उस पलक शर्मा का जी नहीं भरा अभी तक। उसे मैं डिवोर्स तो दूंगा ही, लेकिन उसके बच्चों को ये जरूर बताऊंगा कि उनकी मॉम किस तरह की औरत है। ओड़ यार रिकी, क्यों अपना खून जलाई जा रहा है यार? वो यार परिस्थितियां आदमी को नहीं, आदमी परिस्थितियों को डील करता है। तो प्लीज तो मुझसे सीख लेना यार, मैं हूं ना बेस्ट एग्जाम्पल तेरे सामने। दो दिन बाद इट्स योर एनिवर्सरी, गेट आउट ऑफ दिस शिट। ओके डिवोर्स की डेट सेट है परसों, बस आप दोनों साइन कर दे फिर। ओह गॉड, वीपी सर को रिमाइंड करना पड़ेगा। हाँ बेटा जी, वो आपने दवाई ली लेना के बाद? ले ली। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, और एक मेरा बेटा है कि बहुत प्यार करता है वो आपसे, मुझे पता है। मैंने ना ऑफिस में सबसे सुना है। जानती हो बेटा, जिसका खुद का दिल टूटा हो ना, जो खुद अपने आप से प्यार ना करता हो, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। लड़की को तो जमाना हो गया किसी से प्यार किया। लड़की ने उसके दिल में इतना जहर घोल दिया है कि वो अब सिर्फ नफरत के ही काबिल है। मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं, जितना बोलना है ना आप एक्चुअली बोल सकते हैं। आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है ना निकल जाएगी। तुम्हारे ट्रीटमेंट का जरिया बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, बड़ा लाइक है। तुमसे जब भी बात करता हूँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता हूँ। पॉजिटिव ही रहिए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। विजय बाबा क्या बना रहे हो? वही मेरा वर्ल्ड फेमस रम चिकन। नाश्ते में? अरे तारीफ, मेरी वो नई फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो मेरे लिए इतने अच्छे लड्डू बनाए कि मैंने सोचा कि मैं भी उसे बता दूं मेरे हाथों में भी कितना जादू है। सर एक बात बताओ बच्चों, ये पार्टी थ्रो करने से मेरी बीवी वापस आ जाएगी क्या? अरे अमन भाई, आप हमेशा ग्लास आधा भरा हुआ क्यों देखते हो? गलदासी ये बाबा फकीर अपन चोला चपा की पाया हुआ है। तुम्हारे तो स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है क्या, जिसमें 2 पार्ट ले रहे? पापा जी वो
मैं सोचा कि अब आश्रम में रहूंगा तो फिर वैसे ही कपड़े, और वैसे भी तलाक के बाद तो मेरी गृहस्थी खत्म ही हो जाएगी ना। चुप करके जाओ। सॉरी सॉरी, तलाक वलाक की बात गलत है, मेरे सामने ना किया कर, समझा ना। मैं लगा हूँ पूरे घर को वापस समेटने में, और तू मैदान छोड़ के भागने की बात कर रहा है। बेवकूफ ना हो बेटा। मेरा नाम क्या है? है आपका नाम पापा जी? बोल। विजयपथ नून। हाँ एग्जैक्ट, विजयपथ नून, पूरा नाम बोल। सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर फ्रॉम स्मॉल चॉल टू डीएलएफ फेज वन विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, अनलाइक सम मोरॉन्स जो लंदन में पढ़ते हैं फिर भी अक्कल घुटने में चगी है। अजमत क्या हो रहा है? रिकी भाई प्लीज रीवा दी और अमन जीजू को पैचअप करा लो ना, एंड देन लेट्स ऑल गो फॉर अ वेकेशन अब्रॉड। कहाँ चले बताओ? जहाँ मर्जी चले जाओ, I'm not gonna be here. थोड़ा सा काम बाकी है, and then I'm moving to Mumbai. ओ यार मैं भी तो वही कह रहा हूँ, और तूने जाना ही है तो मेरे साथ आश्रम चल ले यारा। Shut up. मेरी गलत होनी। हमारा परिवार तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक रिकी उस मनुष्यत को भुला नहीं पाए। ये तो पॉसिबल है। मैंने हाल ही में किसी से बहुत पति की बात सीखी है कि जिंदगी से अगर नेगेटिविटी को दूर करना हो तो पॉजिटिविटी को लाना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह से अगर हमें हमारे रिकी के लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करना है तो उसके लिए एक नई कुड़ी ढूंढनी होगी। बट बाप, रिकी भाई तो ऐसे भी खुश है। हाँ, और वैसे भी आपका और उनका टेंशन चलता ही रहता है, हमारे सामने तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। He's absolutely fine, pa. And please, आप ये नई लड़की का चक्कर and all, just stop all that. तेरी राय मांगी मैंने। बच्चे तभी अच्छे लगते हैं जब वो बाप के सामने चुप रहे। मैंने तय कर लिया है, मैं रिकी का ब्याह करवाऊंगा सही तरीके से और एक सही लड़की। जब तक उस अनुज का साया घर से जाएगा नहीं तब तक वो खुश नहीं होगा। इट्स फाइनल। मिल गई। कहाँ? लड़की आपके सामने ही है। आंखें खोलो डॉक्टर शर्मा, आपकी फिजियो। डॉक्टर शर्मा, गुड एन आइडिया सर जी। यस। तो पा आप ही शादी करवाओगे? जस्ट लेट मी थिंक। शिवम बेटा, समायरा को स्कूल ले जाओ। यस सर। मुझे नहीं पता, I don't know, अपनी मम्मा से पूछ लेना ना। करीना कपूर की कसम। You too? अच्छा बाबा, okay. But तुम लोग अपनी मम्मी से भी पूछ लेना, okay? वो ऋत्विक नून तुम्हारे पापा हैं। पर वो तो हमारे साथ रहते ही नहीं है। Exactly. और शायद कभी रहेंगे भी नहीं साथ में, क्योंकि उन्होंने घर पे पेपर्स भेजे। कौन से पेपर? डिवोर्स पेपर्स, मतलब वो आप लोगों को छोड़ना चाहते हैं। तमाम मेरे पापा मिल गए। What? कहाँ? वो मामू। मामू? What? I mean, कौन कहाँ? बड़े वाले मामू। किसने बताया आपको? मम्मा ने। Oh hello, investigating journalist ने। मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? मिस्टर गांधी। एक्चुअली नो, मिस्टर नून। आपका फ्रॉड। और क्या होता है? बेटा, आपके मामू होते हैं फ्रॉड। प्रगति, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाई आर यू सो डिसेप्टिव? गलत आइडेंटिटी, घर पे पेपर्स भेजती हैं डिवोर्स के। डू यू इवन रियलाइज पलक दी पूरी रात भर रो रही थी। प्रगति, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाऊंगा। जी, यू नो व्हाट, पलक दीदी इन डिवोर्स पेपर्स का जवाब देंगी, यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं पापा मम्मी का भी डिवोर्स होता है, अब तो सबका ही डिवोर्स हो रहा है। मैं भी तेरे साथ डिवोर्स करने वाली हूँ। डिवोर्स 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 डिवोर्स। नो, जाओ अपने क्लासरूम में जाओ प्लीज, और कोई इस चीज के बारे में एक वर्ड नहीं बोलेगा, अंडरस्टैंड? ही इज राइट, किसी से कुछ मत कहना, ओके? बाय। मुझे एक बात बताओ, मामू सच्ची में तुम्हारे पापा है? हाँ, पर आज तक किसी ने नहीं बताया, मम्मा ने भी कभी नहीं बताया। वह लोग हमेशा गुस्सा ही होते और कभी अच्छे डांस भी नहीं करते। पर फोक्सिंग तो बहुत ही अच्छा करते हैं।
आगे बहुत पत्ते हैं हमारे पापा, बहुत कुछ करते हैं। उनको बताना तो चाहिए ना कि वो पापा ऐसे भूला गए। पर कैसे करेंगे? आइए। What happened? मैं मेरी बाप ने बहुत डांट है। मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा बेटा ऐसे रोते नहीं है, आप बिग गर्ल हो ना, इधर आओ। नहीं मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा अच्छा हम डेंटिस्ट के पास चलते हैं पहले। नो मिस मुझे पापा के पास जाना है। ओके जल्दी से पापा को बुलाओ। ओके ओके वन मिनट। गिव मी योर डैड्स नंबर। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर है। और आपके पापा का नाम? ऋतिक। ओके ओके एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर नून। क्या? मैं समायरा की डांस टीचर बोल रही हूँ। जी बोलिए। आपकी बेटी की दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। व्हाट? हाँ मैं उसको डेंटिस्ट के पास ले चलती हूँ, आप वहीं आ जाइएगा डायरेक्ट। ओके आई विल लीव राइट अवे। आप मुझे प्लीज लोकेशन सेंड करें। ओके थैंक यू। मुझे दर्द नहीं, बहुत सारा दर्द है। अरे बेटा घबराओ मत, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ही? समायरा कहाँ है? आप इनके फादर हैं? एक्सक्यूज मी, नहीं मैं समायरा का मामू हूँ, आपने बुलाया मुझे। मुझे दर्द नहीं, बहुत सारा दर्द है। तुम दोनों अकेले हो यहाँ पर, इनकी मॉम को किसी ने फोन नहीं किया? सर उनका फोन नहीं लग रहा था इसलिए समायरा ने आपको फोन किया। समायरा नहीं है। डोंट वरी, कोई कैविटी वगैरह तो नहीं है, बस ऐसा ही थोड़ा पेन हो गया। सच्ची पेन है? मेहनत किया? दिखा। अरे बेटा अभी तक तो मैंने दांत भी चेक नहीं किए और तुम रोने लगी। ये सारे टूल्स मैं आप पे थोड़ी यूज करूंगा। यूज नहीं कर रहे तो लाए क्यों? टूल्स देख के तो मेरी भी फटती है। जी नथिंग डॉक्टर। बेटा कौन से दांत में दर्द है? प्लीज इनको मना करो। एक्सक्यूज मी, देखो जिया मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर आपको मालूम है कि जिया बहुत अच्छा डांस करती है ना? ओह रियली? और जिया बहुत अच्छा गाती भी है, आपको मालूम है उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जिया आई लव यू। आई लव यू। देखा हो गया, दैट्स ऑल। हेलो पलक मैडम जी, ये आपकी बेटी की सहेली समायरा। हेलो पलक आंटी, जिया को ना दांत में बहुत ही जोर से पेन होता था, इसे टीचर उसे डॉक्टर के पास ले गई है। क्या हुआ जिया को और आप मुझे ये फोन करके क्यों बता रहे हो? स्कूल की अथॉरिटीज कहाँ हैं? वहाँ टीचर गई हैं, समायरा बोली कि उनकी मम्मी को भी फोन करना है। अच्छा बताइए आप मुझे वो कौन से क्लिनिक में है? बस थोड़ी सी क्लीनिंग और। ओपन योर माउथ बेटा। डॉक्टर इसकी जरूरत है? आई मीन वो डर रही है। कमाल है सर, बच्ची से ज्यादा आप डर रहे हैं, ये सिर्फ आवाज करती है। डोंट वरी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा स्प्रे करूंगा, रिलैक्स। बेटा मुंह खोलो। मेरा सर घूम रहा है। What? पता है अंगद, मैंने तुमसे यही मिलना चाहती थी, हमने इतनी सारी डेट्स किया ना यहाँ पे। यू नो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे जिंदगी भर ऐसे ही मिलूं। थैंक यू। कल का तो क्या सीन था ना यार, वो बच्चे कितने इल मैनर्ड है रोहित के, एंड हाउ डेयर दे इंटरफेयर इन माय लाइफ। हमें इतनी एंबैरेसमेंट हुई तो उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा? आई नो राइट, हाउ डू दे बेयर सच किड्स यार। आई शुड बी सेइंग दिस बट बहुत बदतमीज बच्चे थे, सीरियसली बदतमीज है यार, हु डज दैट? ओ माय गॉड, व्हाट द, हु इज द मैनेजर हियर यार? लोग एप्पल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। अंगद नो मतलब हु? आई नो दिस इज रियली स्टूपिड बट चिल कर, दिस प्लेस इज जिंक्स्ड। नो सीरियसली रीवा, लेट्स गो समवेयर एल्स। रिलैक्स, चिल, ब्रीथ। जिंक्स तो तेरा निकलेगा कमीने, कल जब तेरी पोल खुलेगी, कल रीवा ना इसी सैंडल से तुझे उठा के मारेगी। मेरे बच्चों को बदतमीज बोलता है कमीने। तुम ठीक हो? यस
प्लीज डोंट कॉल मी दैट, ओके? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? तो आप नहीं हो? Of course not. But please मुझे दोबारा कभी ये पापा मत बोलना, ओके? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हमें सब पता है. Excuse me, मैं आपका पापा नहीं हूँ. हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता. आप मेरे जैसे हो, डेंटिस्ट से डरते हो. हाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो डेंटिस्ट से डरते हैं. लेकिन प्रगति दीदी तो कौन है ये प्रगति दीदी? हुँ? वो बेवकूफ है, वो झूठी है. पर... सुनो, तुम्हारी और मेरी और तुम्हारी माम की शादी हुई, ओके? लेकिन तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो. इनफैक्ट तुम्हारी माम मुझे छोड़ के चली गई थी. आप दोनों खुद क्यों नहीं पूछ लेती अपनी माम से कि आप किसकी बेटी हैं? नहीं, डोंट एवर कॉल मी डैड अगेन. घटियापन गया नहीं है उसका. मासूम बच्चों को यूज कर रही है. कैन यू इमेजिन हाउ सेल्फिश? ऐसे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यार? कैन शी डू दिस? ऊपर से रीवा को भड़का रही है. दैट वुमन मैन, आई टेल यू भाई, आपके ही तो बच्चे हैं. ए यार, तुझे कुछ नहीं मालूम है शिवि. यू डोंट नो व्हाट हैपेंड 6 इयर्स अगो. उसने खुद मुझे बताया था कि ये उस विक्रांत के बच्चे, उसका अफेयर चल रहा था उसके साथ. दैट्स व्हाई शी लेफ्ट मी, बिकॉज आई हैड नो मनी. उसको पैसे चाहिए थे. एक माँ ही बता सकती है कि ये बच्चे किसके हैं. इस केस में अनफॉर्चुनेटली इस माँ के ऊपर भरोसा क्या करे? ये तो अपने बाप को बेच का है यार, पैसों के लिए. सेतु भाभी को पता. और रियली वो वही बोलेगी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलेगी. भाई आपका ब्रेकअप हुआ था उससे, थिंग्स वो अगली. और आप बच्चों को देखो, बिल्कुल आपकी तरह है. उनकी शक्लें भी आपसे मिलती है, उनकी आंखें आपको नहीं दिखता लेकिन हमें तो दिखता है ना. और तो भाई आप ये तो नहीं चाहोगे कि एक बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दे, राइट? पापा, मैं आपको करता हूँ. आज रिकी को डॉक्टर शर्मा से मिला ही देते. भाई भाई यही है मेरे साथ. तू रिकी तो ना लगा? He's fine. उनको बोल कि ये इमोशनल ड्रामा बंद करो. I know what he wants to know, you know? रित्विक नून आपकी ग्रुप को आगे बढ़ा रहा है. Financially बहुत काम कर रहा है. He's an asset. That's all you want to know, right? Yes, he's working hard. पा, मैं... कोई गल नहीं पता. तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? तो आप नहीं हो? Of course not. मेरी और तुम्हारी माम की शादी हुई, लेकिन तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो. इनफैक्ट तुम्हारी माम मुझे छोड़ के चली गई थी. क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ हुआ क्या? मेरे बेटे से फोन पे बात हुई, बहुत बुरी तरह से बात की उसने मुझसे. बहुत दिल दुखाया मेरा. बेटा जी, आप जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं. दिल के दर्द का कोई इलाज नहीं आपके पास? बहुत दुखता है. सॉरी बेटा, मैंने अपने दिल का दर्द आपके सर पे डाल दिया, मुझे माफ करो. नहीं, वो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं. वो भी मेरे बेटे की तरह जिद्दी है, खड़ूस. वो बहुत अच्छा है, गलती मेरी ही है. एक मिनट, डिड यू जस्ट से हस्बैंड? यू मैरिड? वी हैव सेपरेटेड. नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत बुरी बात है. वो देखो ना, जमाने को क्या हो गया. जहाँ देखो डाइवोर्स, सेपरेशन. लेकिन आप दोनों की वापसी, आई मीन एनी चांस ऑफ रिकंसिलिएशन? वी कांट बी टुगेदर. वेरी गुड. मेरा मतलब है वेरी गुड कि जो रिश्ता
टूट रहा हो, बिखर रहा हो, उसका सेपरेशन ही बेटर है. दैट्स व्हाट आई मीन. वेरी गुड. बिलीव मी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ये सब भुगत चुका हूँ. चल कोई नहीं, मैं अभी आया, दो मिनट. हाँ, तुम रिलैक्स हो. मैं तुमसे अब जो कुछ भी कहूंगा, तुम रिकी को फोन करो और वर्ड टू वर्ड उसे ऐसे ही बोलना. ओके? ओके सर. हेलो सर, विजय सर के डॉक्टर ने आपको बुलाया है. एक्चुअली सर के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं. डॉक्टर सीम्स रियली कंसर्न्ड. शी वांट्स टू मीट सम फैमिली मेंबर एट द कैफे नेक्स्ट टू द ऑफिस. ओह गॉड. ओके. वो बेटा जी, एक एक रिक्वेस्ट थी. मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, उनको भी सेम जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है. तो वो मेरी प्रोग्रेस से बहुत इम्प्रेस हुए एंड आई टोल्ड हिम अबाउट यू. आप उनसे मिल लेंगे? ऑफ कोर्स. अब वो अपने ऑफिस के बाजू में जो कैफे है ना, ही विल मीट यू देयर ओनली. एक और रिक्वेस्ट है, वो मेरे बहुत जिगरी हैं तो आप उन्हें मत चार्ज कीजिएगा. आई टेक केयर ऑफ. नो प्रॉब्लम सर, मैं जाती हूँ. रिकी मेरे पुत्र, अब तू देख, तेरे लिए एक फरिश्ता भेज रहा हूँ. रब रखा.